जब आपके दोस्त घर चले जाएं और आस पड़ोस में भी कोई ना हो तो हॉस्टल में अकेले रहने के दुख एक पर फायदे अनेक। चारों ओर सफाई सफाई, अब ना बर्तन धोने की कोई झंझट, ना नहाने के लिए घंटों वेट करने की कोई टेंशन। अपनी बाल्टी 2 घंटे के लिए रखो या फिर पूरे रात भर के लिए, किसी की भी कोई चिक चिक सुनने की कोई जरूरत नहीं। और ना ही कपड़े डालने की कोई प्रॉब्लम। जिस तार पे कपड़े डालने के लिए लोगों की लड़ाई होती, आज वो तार भी तरस रही है उन लोगों के कपड़ों के लिए। पूरा कॉरिडोर है खाली, दोनों साइड कोई भी नहीं, तो बिंदास करो अपनी ऐशोगिरी। पानी की बोतल को भी नहीं करनी पड़ेगी अपनी प्यास बुझाने की वेट अभी। नाचो गाओ खेलो कूदो, सड़क पे चौड़ में चलो, किसी की भी कोई बकवास सुनने की जरूरत नहीं, क्योंकि लोग ही है नहीं। लाइब्रेरी भी मिलेगा खाली पूरा, अभी हाई स्पीड नेट मिलेगा अपन को, अभी वीडियोस होगी डाउनलोड तभी तो फटाफट अभी। ना मेस में लाइन में खड़े होने की जरूरत और ना ही सीट ढूंढने की नौबत, तो मस्त खाओ पियो और ऐश करो। पर रात में भूतिया हवेली से कम नहीं दिखेगी हॉस्टल नंबर 3। चारों ओर कोई भी है नहीं। इंसानों के बदले कुत्ते ही सही, पर कुत्तों ने मचा रखे हैं पूरे हॉस्टल में हड़कंप अपनी। बट एट लास्ट कहना चाहूंगी कि हॉस्टल लाइफ लगती है अपने दोस्तों के साथ ही अच्छी।